अमेरिका में आज यानी 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और शायद आज शाम तक ये अनुमान लग जाएगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस वजह से इस समय पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका के इलेक्शन पर टिकी हुई हैं। कई रिपोर्ट्स में तो ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की एक बार फिर वापसी हो रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे कारण बताएंगे जिससे ये कहा जा सकता है कि ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। पहला कारण है अमेरिका की स्विंग स्टेट। इसमें 7 राज्य आते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछली बार के कई चुनावों में ये देखा गया है कि ये राज्य जिस तरफ जाते हैं सरकार उसी की बनती है। इस बार के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप इन राज्यों में काफ़ी मजबूत हैं। दूसरा कारण है अर्ली ट्रेंड्स। अमेरिका में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ लोगों ने वोट डाल दिए हैं। करीब 75 मिलियन लोगों ने अब तक वोटिंग की है और इस वोटिंग में ट्रंप को बढ़त मिली है। अगर ऐसे ही आगे भी चलता रहा तो ट्रंप की सरकार अमेरिका में बनना निश्चित है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है इमिग्रेशन इशू। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों से आए अवैध लोगों पर कोई सख्त कदम उठा सकते हैं। हाल ही में उन्होंने ये कहा था कि एलियन इनवेज एक्ट 1798 जो दूसरे विश्व युद्ध के समय लाया गया था उसे वो वापस ला सकते हैं। इस कानून के अनुसार अमेरिका के मित्र देशों के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक अगर अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल होता है और क्राइम करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। अमेरिका में लोग डोनाल्ड ट्रंप का इस मामले पर काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं जो ट्रंप की जीत का एक बड़ा कारण हो सकता है। चौथा कारण है अमेरिका में गिर रही इकोनॉमी और बढ़ती बेरोजगारी। अमेरिकन्स को लगता है कि इकोनॉमी और बेरोजगारी के मामले में ट्रंप जो बाइडेन से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। पांचवा कारण है जो बाइडेन की विदेश नीति। दुनिया भर में इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है तब से अमेरिका यूक्रेन को अंधा पैसा दे रहा है जिसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिकन्स ये नहीं चाहते कि उनके टैक्स का पैसा अमेरिका यूक्रेन को दे। ये अमेरिका में ट्रंप के आने का एक बड़ा कारण हो सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस मामले पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।